देकर कौन सी औलाद सुख में रहती है, माँ बाप की आंखों में आंसू देकर कौन सी बेटी हंस और मुस्कुरा सकती है। बरेली में हुई एक ऐसी ही घटना जिससे यकीनन ही ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं बरेली में हुई एक ऐसी बड़ी घटना को लेकर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हां, यहां पर अब हर एक पिता अपनी बेटी को लेकर घबराएगा कि कहीं मेरी बेटी भी साक्षी की तरह ना कर दे। मगर ऐसे में अपने माँ बाप को दुख देकर कौन सुखी रहा है, अपने माँ बाप को यहाँ पर जो है ऐसी बेइज्जत करके आखिरकार आपकी इज्जत कैसे हो सकती है, क्योंकि माँ बाप के नाम से ही आपको जाना जाता है, आपकी अपनी तो कोई शख्सियत ही नहीं है। मगर ऐसे में साक्षी मिश्रा ने जब से अजितेश से शादी की है तब से वो कभी अपना फेसबुक अकाउंट चेंज करती है नाम में, कभी अपने इंस्टा में वो अपने नाम को बदलती है। ऐसे में उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर अपने इंस्टा अकाउंट पर एक कोट लिखा हुआ है और वो कोट कुछ इस तरीके से है, शख्सियत महकती है हमारी। यकीनन ही आप अपने माँ बाप को बेइज्जत करके अपनी शख्सियत को कैसे महका सकते हैं और कोई आपको इज्जत कैसे देगा। हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से अजितेश के बारे में भी कुछ ऐसी तमाम चीज़ों से हम यहाँ पर आपको रूबरू करवाएंगे जिसे यकीनन यहाँ पर साक्षी मिश्रा भी हैरान हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं अगर साक्षी सच से रूबरू भी हैं तो आखिरकार अजितेश साक्षी का क्या साथ ताउम्र देगा, क्या आपको ऐसा लगता है? इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करें। शादी के बाद कई दिनों तक सोशल मीडिया से गायब रही साक्षी मिश्रा और एक बार फिर से वो एक्टिव हो गई हैं। पहले साक्षी ने अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया और अब वो रोज इसे अपडेट भी कर रही हैं। इस पर उन्होंने अपने प्रोफाइल नेम में सोनू अभी रखा है, लेकिन हाल ही में बीते दौरान फिर इसमें बदलाव देखा गया। अब उन्होंने अपना नाम सोनूमन 099 रखा। वहीं यहां पर साक्षी ने खुद को और अपने पति अजितेश को जो है टाइगरेस बताया है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमारी शख्सियत महकती है। यकीनन ही जिस तरीके से यहाँ पर साक्षी ने ये जो काम किया है और उसके बाद जिस तरीके से साक्षी जो है यहाँ पर सरेआम ये कहती हुई देखी जा रही है कि शख्सियत महकती है हमारी, तो सवाल साक्षी से ये उठता है कि अपने माँ बाप को दुख देकर उनकी आंखों में आंसू छोड़कर आखिर ये शख्सियत कैसे महक सकती है। सवाल यहाँ पर लगातार उठ रहा है साक्षी पर कि जिस माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया आखिरकार साक्षी ने क्या किया। वैसे में आपको बता दें कि साक्षी जिस तरीके से यहाँ पर तमाम टेलीविजन स्क्रीन्स पर बैठ के साक्षी ने अपने पिता राजेश मिश्रा पर तमाम गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने साफ तौर पर ये बात भी कही कि उनके पिता ने और साथ ही साथ उनके पूरे परिवार ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया है, तो ऐसे में सवाल लगातार साक्षी पर उठ रहे हैं कि क्या भागना ही सॉल्यूशन था। ऐसे में हम यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी से मोहब्बत ना करें और आप उससे शादी ना करें, मगर ये सब चीजें करने की भी एक अलग तरीका होता है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, मगर अपने माँ बाप को बेइज्जत करके प्यार करने में गुनाही है। ऐसे में आपको बता दें कि अजितेश जो है, हालांकि साक्षी के लिए अजितेश उनकी पहली मोहब्बत हो सकते हैं, मगर अजितेश के लिए साक्षी उनकी पहली मोहब्बत नहीं है। जी हाँ, अजितेश पहले से ही जो है उनकी सगाई भी टूट चुकी है। हालांकि कहा यह जाता है कि उस लड़की से अजितेश की सगाई इसलिए टूटी थी क्योंकि परिवार वालों ने दहेज की मांग कर दी थी, मगर जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि अजितेश जो है कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों के साथ उस लड़की के साथ काफी खुश दिखाई दिए, मोहब्बत तो उस वक्त भी दिखाई दे रही थी, मगर अब ये जो मोहब्बत भगा कर लेकर वो आए हैं, क्या इस मोहब्बत का वो साथ ताउम्र दे पाएंगे, सवाल लगातार ये उठ रहा है। और क्या साक्षी जो है कभी खुश रह पाएंगी, शख्सियत महकती है हमारी लिख देने से शायद कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि साक्षी के मन को जो है संतुष्टि मिल रही होगी। खैर, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कहा ये भी जा रहा है कि साक्षी और अजितेश जो है वो बरेली वापस लौटेंगे, अपनी शादी को वो रजिस्टर करवाएंगे। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि जब उनकी वापसी होगी बरेली में तब
क्या नया विवाद अब खड़ा उठता है।